नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। रुक करते हैं खबरों की तरफ। उत्तराखंड बीजेपी केदारनाथ उपचुनाव में जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया है कि केदारनाथ की जनता बीजेपी को भारी बहुमत से उपचुनाव जिताने वाली है। जनता विकास के मुद्दे पर मतदान करेगी। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस ने अभी से ही हार के बहाने भी तलाशने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हरियाणा में जीत का दावा कर रही थी, लेकिन जल्द ही कांग्रेस का ये भ्रम दूर हो गया है और ऐसा ही केदारनाथ उपचुनाव में भी होने जा रहा है। सरकार बनने जा रही है। शुरुआती रुझानों में उन्होंने देखा कि उनकी पार्टी आगे बढ़ती जा रही है और अचानक जब जो है उनकी पार्टी धीरे धीरे उसकी हवा निकलने लग गई और परिणाम पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया, तो फिर वो चुनाव आयोग पर जो है आरोप लगाने लग गए, ईवीएम पर आरोप लगाने लग गए। ये तो उनकी प्रवृत्ति है, ये तो हमेशा हर चुनाव में करते आए हैं। केदारनाथ विधानसभा में भी उनकी स्थिति ऐसी होने वाली है जैसे हरियाणा चुनाव में हुई है। वो बिल्कुल दम्भ भर रहे हैं कि हम बद्रीनाथ की तरह, मंगलोर की तरह केदारनाथ भी जीतेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ की जनता मन बना चुकी है कि हम विकास के साथ रहेंगे। किस विषय में है वार्ता? दीपावली पर दूसरे शहरों में काम करने वाले लोग अपने घरों को लौट रहे हैं। हरिद्वार रोडवेज बस अड्डे पर भी लोगों की भारी भीड़ जुट रही है। परिवहन निगम की ओर से भी इसको लेकर खास इंतजाम किए गए हैं। परिवहन निगम के अधिकारियों का कहना है कि यूपी और उत्तराखंड रोडवेज ने समन्वय बनाकर बसों का रूट प्लान तैयार किया है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि हरिद्वार से हैं, जहां पर घर लौटने को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा, जिसको लेकर अब बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन सभी जगह पर यात्रियों की भारी भीड़ जमा हो गई है और यहां पर बसों के रूट को का जो प्लान है वो तैयार किया जा रहा। पहले लोगों ने जमकर खरीदारी की और उसके बाद में अब लोग घरों की तरफ रुख कर रहे हैं और यहां पर बसों का रूट प्लान भी अब तैयार हो गया है। पहले उत्तराखंड परिवहन निगम ने जो है विशेष रूप से व्यवस्था की है, जैसे यात्रियों को सुगम सुविधा उपलब्ध कराने हेतु जो है चालक परिचालकों के अवकाश प्रतिबंधित किए हैं और जो बसें हमारी ऑफ रोड थी सभी को ऑन रोड किया गया है ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो जाए। किस रूट पर जो आपके शिफ्ट कुल एरिया के काम करने वाले मजदूर हैं तो उनकी भीड़ को दृष्टिगत रखते हुए जो है ना उत्तराखंड उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की दोनों की जो है एक रूपरेखा जो है तैयार की गई है कि यात्रियों किसी प्रकार की असुविधा ना हो गए, तो उनके लिए जो हमने नजीबाबाद और आपके धामपुर, मुरादाबाद, बरेली, आपके टनकपुर, हल्द्वानी, रुद्रपुर, लखनऊ, कानपुर वगैरह जाने के लिए जो विशेष रूप से घर की भीड़ रहेगी। डोईवाला के मरखम ग्रांट बुल्लावाला में आपको बताते चले कि श्रम विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हरिद्वार सांसद और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और डोईवाला विधायक ब्रजभूषण गौरेला ने पहुंचकर सैकड़ों श्रमिकों को श्रम टिकट वितरित किए हैं। इस दौरान सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सरकार द्वारा चलाई जा रही अनेक योजनाओं के बारे में जानकारी भी दी है और साथ ही सभी श्रमिक ज्यादा से ज्यादा योजनाओं का लाभ ले सकें। श्रमिकों के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही श्रमिक बीमा योजना एक वरदान साबित हो रही है। कार्यक्रम से लेकर इंस्पेक्टर आनंद शेखर ने बताया कि क्षेत्र में तमाम ऐसे कैंप लगाकर श्रमिकों को लाभ दिया जा रहा है और इसी कड़ी में यहां पर 400 श्रमिकों को लाभ दिया गया है और आगे भी इस तरह के कैंप क्षेत्र में आयोजित होते रहेंगे। आपको बताते चलें कि लगातार श्रमिकों को योजनाओं का लाभ मिल रहा, श्रमिकों को श्रम टिकट वितरित किए गए हैं और साथ ही श्रमिकों को श्रम किट वितरित किया गया। सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौके पर मौजूद रहे।
और यहाँ पर श्रमिकों को योजनाओं का जो लाभ है वो मिल रहा है। कार्य करते हैं, जैसे कोई मजदूर होता है, मिस्त्री होता है, कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर, पीओपी का कार्य करता है, पेंट का कार्य करता है, प्लम्बिंग का कार्य करता है, या किसी भी प्रकार से जो विभिन्न निर्माण इकाई से ट्रेड में होती है कि उनको भवन को बनाने में कार्यरत कार्मिक होते हैं, उनका मजदूरों का पंजीकरण उत्तराखंड श्रम विभाग द्वारा किया जाता है, श्रम विभाग कल्याण बोर्ड द्वारा किया जाता है। उसमें अनिवार्य योग्यता जो पात्रता है वो यह है कि वर्ष भर में 90 दिन का कार्य का प्रमाण होता है और संबंधित श्रमिक की बैंक पासबुक, आधार कार्ड, राशन कार्ड वो मैंडेट होता है और 90 दिन का कार्य मैंडेट होता है। जैसा कि अभी आज हमारे इस कार्यक्रम में भी सांसद महोदय और विधायक जी यहाँ रहे और पहले भी, अब से पहले भी मुझे लगता है कि जब से श्रम विभाग से समान वितरण का कार्यक्रम हो रहे हैं तब से 4 साल 5 साल 6 साल पहले से भी जब भी समान वितरण होता है तो विधायक जी और सांसद जी का बहुत सहयोग इसमें रहता है, क्योंकि जो हमारे प्रवर्तन अधिकारी हैं आनंद शेखर जी, तो उनका भी बहुत बहुत मैं आभार और धन्यवाद करती हूँ कि जो भी कार्ड यहाँ से हैं और जो उसके पात्र हैं, कार्ड धारक हैं, उनको समान देने के लिए वो कभी भी ऐसा नहीं करते कि इनको नहीं देना, वो कहते हैं मैम जितना ज़्यादा हो सके लोगों को उसका लाभ पहुँचना चाहिए। भारत सरकार की योजना है, जितने भी हमारे श्रमिक भाई बहन हैं उनके लिए सरकार के द्वारा और जो जिस तरह का काम करते हैं उसके लिए उनको उस तरह के टूल किट दिए जाते हैं, और एक महिलाओं के लिए जो सैनिटरी नैपकिन का जो एक बहुत अच्छी शुरुआत की है ताकि उनका जो स्वास्थ्य है वो स्वस्थ रहें। आज सर्वाइकल कैंसर काफ़ी देखा गया, वो भी ज़्यादातर जो गरीब तबके के लोग हैं, श्रमिक लोग हैं, तो उसके लिए सैनिटरी नैपकिन की जो व्यवस्था की गई है। आज श्रम विभाग की तरफ से सामान का वितरण किया गया जिसमें हमारी पंचायत के वार्ड मेंबरों ने और हमारे द्वारा खुद इसमें बहुत प्राथमिकता दिखाते हुए इस कार्य को किया और कम से कम 400 आदमियों को निःशुल्क किट बांटी जा रही है और इसमें कोई किसी से पैसा नहीं लिया गया। और माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का और बृजभूषण गहलोत जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने अपना व्यस्त समय में से यहाँ समय निकालकर हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। त्योहारों का भी समय था लेकिन वो यहाँ पर आए, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो वहीं दिवाली पर देहरादून आने और यहां से जाने वाले बस और ट्रेनों में भारी भीड़ रही है। आपको बताते चले कि बसों में सीट हथियाने के लिए यात्रियों में खूब धक्का मुक्की हुई, जबकि लंबी दूरी की ट्रेनों में यात्रियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। जनरल और स्लीपर कोचों में अंदर जब जगह नहीं हुई तो कुछ यात्री दरवाजे पर झूल कर निकले और ट्रेन चलने के एक घंटे पहले ही स्टेशन परिसर यात्रियों से पैक हो गया था। आपको यह भी बताते चले कि दिवाली मनाने के लिए देहरादून और आसपास के क्षेत्र से लोग बड़ी संख्या में अपने घरों के लिए निकले। बसों की अपेक्षा लंबी दूरी को ट्रेन में ज्यादा भीड़ रही है, इस दौरान काफी धक्का मुक्की हुई है और साथ ही यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। आपको बताते चले कि ट्रेनों में यात्रियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही क्योंकि बहुत ज्यादा त्यौहार को लेकर भीड़ देखने को मिल रही, जिसको लेकर धक्का मुक्की करते हुए यात्री नजर आए और ट्रेन और बसों में भारी भीड़ भी उमड़ी है। रेलवे स्टेशन भी खचाखच भरे हुए हैं और बसें हों या फिर ट्रेनें सभी खचाखच भरी हुई हैं। ट्रेनों में यात्रियों को कड़ी मशक्कत भी करनी पड़ रही है। ट्रेन और बसों में भारी भीड़ उमड़ पड़ी है, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर यात्रियों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा। आपको बताते चले कि हर कोई घर जाने के लिए उत्साहित है और जिसको लेकर ट्रेनों में यात्रियों की काफ़ी ज़्यादा भीड़ नज़र आई और वहीं दूसरी तरफ की तस्वीरें जो हैं आपको बताते चले कि यात्रियों में खूब धक्का मुक्की भी हुई। त्योहारों का सीज़न है जिसको लेकर लगातार लोग अपने घरों की तरफ रुख कर रहे, जिसको लेकर काफ़ी लंबी लंबी लाइनें भी लगी हुई हैं।
ट्रेनें बहुत कम है बनारस के लिए, गिने चुने एक दो ट्रेनें हैं और टिकट को लेके हमेशा ही समस्या रहती है। आगे भी अगर हमारे पास हमारे यहाँ से ऑप्शन मिले, क्योंकि बनारस से हमें यहाँ आने के लिए भी बहुत दिक्कत होती है और जाने के लिए, चाहे दिवाली हो या ना हो, कोई भी सीजन हो, तो देहरादून के लिए बेटर ट्रेनें अगर अवेलेबल हो तो अच्छी बात रहेगी, हालांकि दिक्कत होगी। दीपावली के पर्व को लेकर बाजारों में लोगों की काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही। लोग दीपावली पर दिए और पटाखों की खरीदारी कर रहे, तो वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी परिवार के साथ दिवाली की खरीदारी करने के लिए कुम्हार मंडी पहुंचे हैं, जहां उन्होंने दुकानों से मिट्टी से बने दीपक और मूर्तियां खरीदी हैं। साथ ही दुकानदारों को डिजिटल पेमेंट के जरिए भुगतान किया है। साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि स्थानीय स्तर पर छोटे कारीगर बड़ी मेहनत से रोजाना जीवन में इस्तेमाल होने वाली चीजें बनाते हैं और हाथ से बने होने के चलते इन वस्तुओं की लागत अधिक आती है। उन्होंने सभी लोगों से भी अपील की है कि हस्तनिर्मित स्थानीय उत्पादों को अधिक से अधिक खरीदें, ताकि इस पेशे से जुड़े लोगों की जीविका भी बनी रहे। और सीएम ने यह भी कहा कि इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए वोकल फॉर लोकल के संदेश को भी अधिक बल मिलेगा। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने सभी ऐसे हमारे कारीगर जो हमारी पूर्वजों के द्वारा बनाई हुई पद्धति है, संस्कृति है, उनके द्वारा बनाए हुए उत्पाद हैं, वो सभी आज देश दुनिया के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल से उनको एक नई पहचान मिल रही है। और इससे लाखों हमारे काम करने वाले, ऐसे उत्पाद बनाने वाले, मिट्टी के अच्छे से अच्छे उत्पाद जो हमारे दीपावली पर्व पर बनाए जाते हैं, दिए हों या अन्य प्रकार की जो मूर्तियां हैं वो हैं, वो सभी आज एक अलग पहचान बना रही है। और इससे लाखों लोगों को काम मिलता है, रोजगार मिलता है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने का उन्होंने एक संकल्प लिया है, तो हम सभी को वो उस दिशा में प्रेरित करता है, हम सबको प्रेरणा देता है। सीएम धामी के निर्देश के बाद अब प्रदेश सरकार के अधीन सभी विभागों और कार्यालयों की बैठक आयोजन के लिए हाउस ऑफ हिमालयाज के उत्पाद खरीदे जाएंगे। हाउस ऑफ हिमालयाज उत्तराखंड के महिला स्वयं सहायता समूहों और किसानों, किसान उत्पादक संगठनों और ग्रामीण उद्यमियों द्वारा बनाए गए उत्पादों का कॉमन ब्रांड है। इसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों हुआ है। सचिव राधिका झा के मुताबिक ग्राम विकास विभाग के अधीन संचालित हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड अपने गुणवत्ता को लेकर भी कम समय में पहचान बनाने में कामयाब रहा। वहीं सीएम ने कहा कि पीएम मोदी के वोकल फॉर लोकल मंत्र से प्रेरणा लेते हुए प्रदेश सरकार हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड को प्रोत्साहित कर रही है। उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्रों में पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए सरकार ने नई योजना बनाई है। चीन की सीमा पर तैनात आईटीबीपी की टीम की मदद से पहाड़ के पशुपालकों की आयु बढ़ेगी। उत्तराखंड में आईटीबीपी यानी कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस पिथौरागढ़ चमोली उत्तरकाशी में तैनात है और अब आईटीबीपी की मदद से पहाड़ में आर्थिकी और भी जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत होगी। उत्तराखंड सरकार ने कैबिनेट बैठक में ये फैसला लिया है कि आईटीबीपी के लिए मटन और चिकन के साथ फिश की सप्लाई भी की जाएगी और साथ ही आईटीबीपी और उत्तराखंड के पशुपालन विभाग के बीच में करार हुआ है, जिसके तहत में पहाड़ के हिमालय क्षेत्र से मांस की सप्लाई आईटीबीपी को की जाएगी। सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और हमारे कैबिनेट के समस्त सहयोगियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि ये प्रपोजल हम पिछले एक साल से परस्यू कर रहे थे आईटीबीपी के साथ। आईटीबीपी की जो तीन प्रमुख पोस्टें हैं वो हमारे पिथौरागढ़ जिला, चमोली जिला और हमारे उत्तरकाशी जिले में हैं, और हमने उनसे निवेदन किया था कि हम चाहते हैं कि जो आपके यहाँ जो भी खपत होती है, चाहे वो मीट की हो जैसे आपने बोला है, जैसे चिकन की है, चाहे वो मत्स्य पालन की है, मत्स्य की है, मछली की, वो आप लोकल प्रोक्योर करिए। पहले यूपी से प्रोक्योरमेंट होता था, और मैं धन्यवाद दूंगा माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का जिनको ये प्रपोजल गया था और उन्होंने इसको स्वीकृति दी।
खबर देहरादून से है, जहां पर शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने ऋषि परणा सभागार में शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त बैठक ली है। बैठक में जनपद की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की समीक्षा कर विभागीय अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। बैठक में अस्पतालों में चिकित्सकों और साथ ही पैरामेडिकल स्टाफ की 100% नियुक्ति करने, निर्माण कार्यों को समय पर पूरा करने और अस्पतालों में नियमित साफ सफाई की व्यवस्था करने, मरीजों को स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही मुख्य चिकित्सक अधिकारी को दिए गए हैं और इसके साथ ही विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर करने, क्लस्टर विद्यालयों और पीएम श्री विद्यालयों के निर्माण कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए। साथ ही शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी भी यहाँ पर अधिकारियों को ये निर्देशित किया गया है। बेसिक, माध्यमिक और इंटर में अब 15 दिन में 100% टीचर हमारे यहाँ पहुँचे। LT का रिजल्ट भी मुझे लगता है कि 10-15 दिन में निकल जाएगा। 1500 LT के टीचर एकदम नियुक्ति करने जा रहे हैं। बाकी हर स्कूलों में फर्नीचर देना है, बिजली का कनेक्शन देना है, पानी का कनेक्शन देना है, वहाँ पे खेल का मैदान बनाना है, सरकार की प्राथमिकताओं में है। फिर स्वास्थ्य विभाग में भी हम जो डॉक्टरों का गैप था वो भी पूरा करने जा रहे हैं, और नर्सिंग स्टाफ भी अब हमारे यहाँ लगभग पूरा हो गया है। NM भी हम आपको बताते चले कि मंत्री ने जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं और इस दौरान सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया। मंत्री धन सिंह रावत ने बैठक आयोजित की और इस दौरान मंत्री धन सिंह रावत ने ये बैठक ली और तमाम तरह के यहाँ पर दिशा निर्देश दिए गए हैं। आपको बताते चले कि विभाग के अधिकारी भी शामिल हुए। तो वहीं उत्तराखंड में रोपवे से जुड़े विकास कार्य को करने के लिए ब्रिडकुल को नोडल एजेंसी घोषित करने की तैयारी है और देहरादून सचिवालय में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने अधिकारियों को बैठक भी ली है और इस संदर्भ में जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही ब्रिडकुल को विशेषज्ञ एजेंसी घोषित किए जाने के लिए संबंधित अधिकारियों को त्वरित आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। दरअसल उत्तराखंड में रोपवे विकास से जुड़ी कई योजनाएं गतिमान हैं, साथ ही पर्वतीय राज्य होने के चलते रोपवे प्रोजेक्ट राज्य के लिए काफी अहम भी है और इसी को देखते हुए उत्तराखंड सरकार भी रोपवे प्रोजेक्ट में तेजी लाने के लिए समय समय पर कई निर्देश जारी करती रहती है। अल्मोड़ा जिले की पर्यटन नगरी रानीखेत विधानसभा में दर्जा राज्य मंत्री शिव सिंह बिष्ट का रानीखेत पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया है। इस दौरान शिव सिंह ने कहा कि केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी की जीत निश्चित है। उन्होंने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने केदारनाथ में जीत दर्ज की थी। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ धाम की लगातार चिंता करते रहते हैं। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि केदारनाथ बाबा केदार हम सब के आराध्य देव हैं और निश्चित रूप से केदारनाथ जो उपचुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है, क्योंकि केदारनाथ 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और अभी भी हम लोग केदारनाथ जीतने वाले हैं। वो दोनों सीटें पूर्व में भी कांग्रेस के पास थी, कांग्रेस अपनी सीटों को कांग्रेस ने जीता है और मैं मानता हूं कि केदार बाबा हम 2014 में अगर 13 की जो आपदा है उस आपदा को देखें और उसके बाद आज की केदारनाथ को देखें, बाबा केदार की भूमि को देखें। ये भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर उपचुनाव में जीत का अलग अलग दावा जो है वो किया जा रहा और इसी दौरान कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया है।
उपचुनाव में सभी पार्टियां अपनी अपने जीत के दावे भी कर रही हैं और जिसको लेकर लगातार पर्यटन नगरी पहुंचे थे जहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया और जिसको लेकर आपको बताते चलें कि कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया और साथ ही लगातार उपचुनाव में सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं और इसी को लेकर आपको बताते चलें कि लगातार दौरे किए जा रहे हैं। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि रानीखेत से हैं जहां पर उपचुनाव में जीत का दावा जो है वो किया गया है। आपको बताते चलें कि उत्तराखंड के केदारनाथ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में लगातार वार पलटवार जारी है और साथ ही कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार लगातार तय कर दिए हैं तो रविवार को भी प्रदेश कमेटी के मनोज रावत के नाम के अधिकारी घोषणा भी कर सकती है। साथ ही आपको बताते चलें कि उत्तराखंड में केदारनाथ सीट पर उपचुनाव होना है और यहां पर यह सीट बीजेपी विधायक शैला रानी के निधन से खाली हुई थी। कांग्रेस ने बद्रीनाथ मंगलौर सीट पर जीत के बाद में केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है और साथ ही रणनीति बनाने में भी जुटी हुई है और लगातार प्रत्याशी चयन का लंबा मंथन भी चला और इस बीच कांग्रेस में ऑब्जर्वर को लेकर भी मनमुटाव दिखा था। केदारनाथ सीट पर सर्वे के लिए जो ऑब्जर्वर प्रदेश अध्यक्ष ने तैनात किए उसमें प्रदेश प्रभारी ने पत्र जारी कर दो नाम और बढ़ा दिए हैं। साथ ही कांग्रेस में उपचुनाव को लेकर अंदरूनी कलह भी शुरू हो गई है। हालांकि ऑब्जर्वर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 13 प्रत्याशियों का नाम केंद्रीय नेतृत्व को भेजा गया और इन नामों पर प्रदेश नेतृत्व के साथ में दिल्ली में केंद्रीय नेताओं ने भी मंथन किया है। तो वहीं हरिद्वार में नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज की शुरुआत हो गई है। साथ ही एमबीबीएस की 100 सीटों वाले मेडिकल कॉलेज में कुल 90 छात्रों ने एडमिशन ले लिया है। कॉलेज में मेडिकल की पढ़ाई भी शुरू कर दी गई है। बाकी सीटों पर जल्द एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर रंगील रैना ने बताया कि मेडिकल कॉलेज में शिक्षण कार्य सुचारू ढंग से कराया जा रहा, छात्रों को पढ़ाने के लिए पर्याप्त फैकल्टी भी यहां पर मौजूद है। हरिद्वार मेडिकल कॉलेज जो इसी साल स्टार्ट हुआ है, इस बार हमें 100 मेडिकल स्टूडेंट की परमिशन मिली एनएमसी के द्वारा, जिसमें 15 बच्चे सेंट्रल कोटे से आने हैं और 85 बच्चे हमारे जो स्टूडेंट हैं वो स्टेट कोटे से आने हैं। तो इस टाइम तक हमारे 85 स्टूडेंट जो स्टेट के हैं उनमें से 82 बच्चे आ चुके हैं, तो 3 और बच्चे अभी बाकी हैं। जो भी हमें यहाँ पे फर्स्ट तीन सब्जेक्ट होते हैं जो एनाटॉमी फिजियो बायोकेम होते हैं। देहरादून जिले के रानी पोखरी थाना क्षेत्र में वन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि कुछ दिन पहले बड़ी साजिश को अंजाम देते हैं। सैकड़ों हरे भरे आम के पेड़ रातों रात शांतिनगर में पेड़ों के अवैध कटान से वन विभाग पर कई सवाल खड़े हुए थे। साथ ही आपको बताते चले कि वन माफियाओं ने बड़ी चालाकी से सैकड़ों आम के पेड़ों को काट दिया और वहीं एक बार फिर से रानी पोखरी के थानों रेंज में भी रात के अंधेरे में आम के हरे भरे पेड़ों को भूमाफियाओं ने कटवा दिया। साथ ही रानी पोखरी मेन चौक के पास में एक और आम के बगीचे को उजाड़ने की साजिश की गई। वहीं भूमाफियाएं जो है वो लगातार सक्रिय हैं, इसमें दर्जनों आम के हरे भरे पेड़ों को काटा गया है। लाबुड़े में इतना ही, नमस्कार।